कि हम 32004 सेमिनार अटेंड कर पाए। इस 32004 सेमिनार में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, प्रभुपाद से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम बुक रीडिंग कैसे सुधार सकते हैं, और सबसे अच्छी बात हमें ये पता चली कि जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं हमारे अंदर, जैसे प्रसाद पाते वक्त जो भी एटिकेट्स हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, इसके थ्रू हम प्रयास करेंगे कि हम उसे जस्ट फॉलो कर सकें, क्योंकि हम लोग इससे पहले कोई फॉलो नहीं कर रहे थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हम एटिकेट सीख सके, और खासकर इससे हमारी रीडिंग में बहुत फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ हफ्ते का सेमिनार बहुत अच्छा था, और इस पूरे हफ्ते में इसका प्रसारण भी बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण। इस भक्ति सदाचार के सेशन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि इसमें हमने सीखा गुरु के बारे में, आचार्य के बारे में, तथा हमने साधु संत के बारे में भी सीखा। इसमें हमने अपने ग्रंथों के बारे में जाना, हमने सीखा उन्हें कैसे सही तरीके से पढ़ना चाहिए, और साथ में हमने कई सारी एक्टिविटीज की। हे कृष्ण, जैसे कि हमने 6 दिन की भक्ति सदन सेमिनार में दिव्य किशोर प्रभु से बहुत सारी चीज सुनी। इसकॉन फाउंडर कौन है, इसकॉन क्या है, और श्लोपा जी कौन है, श्लोपा जी हमारे सेंटर है, हम जब भी स्कॉन में हैं तो हमें सबसे पहले श्लोपा जी की आश्रम आना चाहिए, हमें श्लोपा जी को कृपा करनी चाहिए, उनकी पुस्तक का वितरण करना चाहिए, और हमें भक्तों के साथ क्या कैसे व्यवहार से रहना चाहिए, हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनके अच्छे से बात करनी चाहिए, और हमें जो भी हमारे कृष्ण प्रणाम से कोई भी प्रॉब्लम हो हमें आपके फ्रेंड शेयर करना चाहिए, और दो कैसे हमें प्रसाद वितरण करना चाहिए, और कैसे हमें कैसे कैसे दिनचर्या रखनी चाहिए। सीधे हमें दैनिक आरती बताएंगे, यहाँ पे पहले मंगला आरती, फिर जितने पूरे दिन आरती हम कैसे कैसे करना चाहिए। हरे कृष्ण। 6 दिन के भक्ति चर्चा में हमने सीखा कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन फाउंडर कौन है, प्रभुपाद कौन है, हमें प्रभुपाद को गुरु क्यों मानना चाहिए, हमें प्रभुपाद की बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, हमें प्रसाद में कैसे वितरण करना चाहिए, हमें भक्तों का संग क्यों नहीं करना चाहिए, भक्तों का संग क्यों करना चाहिए, भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांगा हमने भक्ति सदाचार पार्ट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। मतलब हम भक्ति में हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर बहुत सारी ऐसी सरल चीजें हैं जिनकी हमें नॉलेजेस नहीं होती, और वो ऐसे सेमिनार्स के थ्रू ही हमें होती हैं। जैसे कि सेमिनार में पठन का जो टॉपिक था कि हमें रीडिंग करनी है, और हमें रीडिंग कैसे करनी है, क्या टेक्निक है, परफेक्टली हम कैसे रीडिंग कर सकते हैं, ये चीजें हमें ऐसे सेमिनार्स के थ्रू पता चलती। वैष्णव सेवा, वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट हमें किस तरह मेंटेन करना है, ये सब सेमिनार के थ्रू पता चलता। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद की क्या पोजीशन है, क्या अभी है और क्या फ्यूचर में होगी, ये सारी चीजें हमें इस भक्ति सदाचार सेमिनार के थ्रू पता चली। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे दिव्य किशोर प्रभु जी को, जिन्होंने इतना अच्छा सेमिनार कंडक्ट किया, और प्रभु जी से रिक्वेस्ट है आगे भी वो इस तरह के सेमिनार कंडक्ट करते रहें, ताकि हम लोगों को इससे बहुत लाभ होते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रिसेंटली हमारे भक्ति योग केंद्र प्रहलादपुर में हिज ग्रेस दिव्य किशोर प्रभु जी ने भक्ति सदाचार सीरीज स्टार्ट करी, जिसको अटेंड करके पर्सनली मेरे बेसिक लेवल पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, भक्ति कैसे करनी है ये और अच्छे से समझ आया, और अब मैं अपनी भक्ति को और अच्छे से लेके जा सकती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी रिसेंटली हमने भक्ति सदाचार सीरीज में पार्टिसिपेट किया, और पर्सनली मैं बहुत फील करती हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि हमें ये तो पता है कि भक्ति करनी है, शास्त्रों से पता चला कि भक्ति करनी है, लेकिन हम इतना इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते शास्त्रों से, इतना समझ नहीं पाती कि भक्ति करनी कैसे। एक्चुअली वो भक्ति सदाचार से, वैष्णव की कृपा से, स्पेशली दिव्य केशव प्रभु जी ने जिस तरीके से भक्ति को समझाया कि प्रैक्टिकली सदाचार, भक्ति के सदाचार को कैसे फॉलो करना है, तो लिटरली बहुत हेल्प मिली समझने के लिए, क्योंकि हम पहले समझेंगे, श्रवण करेंगे, फिर उसके ऊपर मनन करेंगे, फिर निर्ध्यासनम करेंगे, तभी पता चलेगा। सो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्रील गुरुदेव, एंड ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस दिव्य केशव प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।